नमस्कार वेलकम सो मच। सिस्टर पिछले कुछ एपिसोड्स में बात हो रही थी कि मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि एक थॉट है एक प्रॉब्लम है एक मिसअंडरस्टैंडिंग है या मुझे किसी से मेरा झगड़ा हो गया है लेकिन उसके बाद वो जो चीज मन में चल रही है उसको रोकना दबा देना या केयर नहीं करना ये इसमें कुछ जम नहीं रहा है मैं उसको चाहता हूं कि उसी चीज को पॉजिटिव कैसे कर कन्वर्ट करूं क्योंकि दबा दूं सप्रेस करूं फिर उठती है जैसे हमने पिछली बार देखा कि जो हम सोचेंगे जो हम वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे एंड जो हम काफ़ी देर तक किसी के प्रति सोचते रहेंगे एंड वो काफ़ी देर कुड बी कुछ घंटे इट कुड बी कुछ दिन कभी कुछ साल वो वाइब्रेशंस हमारी एक बहुत हेवी एनर्जी क्रिएट कर देता है फिर वो सिर्फ हम नहीं हम अपने फैमिली फ्रेंड्स यू नो जो भी हमारे क्लोज हैं हम सब उस बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं एंड कलेक्टिवली हम एक बहुत हेवी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं जैसे हमने कई बार कलेक्टिव मेडिटेशन किया जाए यू hmm. नो you know, तो अ ग्रुप ऑफ पीपल अगर कलेक्टिवली मेडिटेट करते हैं तो बहुत हेवी पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं और ये एनर्जी जिसके प्रति क्रिएट की गई है वहाँ पर ये रिजल्ट लेकर आती है जैसे आपने हीलिंग में देखा होगा कि प्राणिक हीलिंग करते हैं या रेकी करते हैं दूसरा बहुत दूर है वो उस कमरे में सामने भी प्रेजेंट नहीं है डिस्टेंट हीलिंग heal. आप उसको फिजिकली टच भी नहीं कर रहे हैं लेकिन hmm. दूर बैठे अपने पावर ऑफ माइंड से आप दूसरी जगह किसी को बैठे हुए फिजिकली हील कर रहे हैं करते डज इट वर्क इट हाउ डज इट वर्क वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हिच मींस पावर ऑफ माइंड वर्क्स अब आप यहाँ बैठकर हीलिंग कर रहे हैं सामने वाला दूसरी जगह फिजिकली पेन में है दैट्स नॉट इवन इमोशनल लेवल इट्स फिजिकल पेन फिजिकल बीमारी है तो भी यहाँ से भेजी हुई इमोशनल एनर्जी वहाँ की फिजिकल एलिमेंट को ठीक करती है इट्स नॉट के इमोशनल ऑन इमोशनल पेन इमोशनल ऑन फिजिकल पेन तो यहाँ से कलेक्टिवली सोचा पॉजिटिव वहाँ जो सामने बीमार है उसके पहले मन पर असर करेगा वो सीधा उसके शरीर पर नहीं असर करेगा वो पहले जो हम यहाँ देखते हैं ये आत्मा इसकी एनर्जी फील्ड इसकी एनर्जी फील्ड हमारी बॉडी के अंदर भी एक सूक्ष्म एनर्जी फील्ड क्रिएट करती है जिसको हम कहते हैं सटल बॉडी एनर्जी की बॉडी तो हर एक के पास एक एनर्जी की बॉडी है और फिर उसके बाहर एक जड़ बॉडी है फिजिकल बॉडी है तो जो बीमारी किसी को भी मैनिफेस्ट होती है वो पहले इस शरीर में नहीं होती है वो पहले उस एनर्जी की बॉडी में होती है और उससे भी पहले वो यहाँ किसी दर्द के रूप में मैनिफेस्ट होती है तो जब हम डिस्टेंट हीलिंग करते हैं हम एक्चुअली किसके एनर्जी ब्लॉक को क्लियर कर रहे हैं पहले हम उस आत्मा को अच्छी वाइब्रेशन भेजते हैं फिर उसके जो सटल बॉडी है जिसके अंदर वो एनर्जी ब्लॉकेज हुआ है सपोज किसी के घुटने में दर्द है तो उसकी एनर्जी की बॉडी की अगर हम फोटो लेंगे तो यहाँ पर डार्कर एनर्जी आएगी जैसे और की फोटो लेते हैं तो जहां एनर्जी स्मूथ है वहां लाइटर कलर का आएगा फोटो में जहां एनर्जी पेन में है वहां ब्लॉकेज आएगा तो आपने यहां बैठ एनर्जी भेजी एनर्जी इस एरिया पर फोकस की कि इनके घुटने में दर्द है राइट नी इज इन पेन सेंडिंग आपकी वाइब्रेशन ने इस एनर्जी ब्लॉकेज को क्लियर किया जैसे ही आपकी वाइब्रेशन ने उस एनर्जी ब्लॉकेज को क्लियर किया उनको वहां पर अच्छा फील होना शुरू हो गया इट वर्क्स, इट डज, डज इट वर्क, मींस हम कलेक्टिवली पॉजिटिव एनर्जी भेजे इट क्रिएट्स मेरेकल्स अब हम कलेक्टिवली अगर नेगेटिव एनर्जी भेजे दैट ऑल्सो वर्कस नेगेटिव एनर्जी वर्क करना पॉजिटिव एनर्जी से ज्यादा ईजियर है स्ट्रॉंगर है स्ट्रोंगर इसलिए है क्योंकि हम में से मेजोरिटी नेगेटिव थॉट्स आज ज्यादा जल्दी क्रिएट कर पाते हैं ज्यादा इजिली क्रिएट कर पाते हैं अगर आज है नेगेटिविटी भी तो ज्यादा है ना हम में इसीलिए ना अगर हमें आज बैठकर मेडिटेट करना है प्रार्थना करनी है पूजा करनी है चैंटिंग करनी है विच मीन्स कॉन्शियसली हमें प्योर पॉजिटिव थाट्स क्रिएट करनी है तो हम में से मेजोरिटी ये एक्सपीरियंस करेंगे बैठे थे दस मिनट के लिए और कितनी देर उस क्वालिटी के थॉट क्रिएट कर पाए एक दो या तीन मिनट बाकी छः सात मिनट तो ऑर्डिनरी थिंकिंग में चला गया विच मीन्स नेगेटिव थिंकिंग टुडे इज ईजियर देन प्योर थिंकिंग जिसके लिए आप भेज रहे हैं उनके लिए भी नेगेटिव थिंकिंग इज ईजियर देन प्योर थिंकिंग तो नेगेटिव का इफेक्ट दूसरे पर होना इज इजियर एंड फास्टर देन प्योर पॉजिटिव एनर्जी क्योंकि हमारे पास भरपूर है वो। हमारे पास भरपूर है और दूसरे के पास भी भरपूर है तो इसीलिए फ्रीक्वेंसीज़ को मैच करना सी आप एक ट्रांसमिटर है एक रिसीवर है ना तो ट्रांसमिटर और रिसीवर की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए टू क्रिएट अ रिजल्ट सपोज आप मेरे लिए पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं आप मेरे लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं बहुत अच्छा सोच रहे हैं उसका प्रभाव मेरे पर पड़े विल टेक लिटिल लॉन्गर क्योंकि मेरे अंदर पेन है या हर्ट है या एंगर है तो आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है इसीलिए बहुत लोग कहते हैं हमने उनके लिए इतना अच्छा सोचा हमने उनके लिए इतना अच्छा सोचा उधर तो सामने कोई चेंज नहीं आ रहा है वी फील के हमने बस दो तीन थॉट क्रिएट करी सामने वाले पर जल्दी से प्रभाव पड़ जाना चाहिए इट डजेंट हैपन मेरी और आपकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए सो दैट वॉट यू ट्रांसमिट आई रिसीव तो जब जब भी थॉट आता रहे तब तब उसको कट करके पॉजिटिव में भेजना चाहिए अगर आप अच्छी एनर्जी भेजते हैं लेकिन मैं दर्द में हूँ मैं जल्दी कैच नहीं करूंगी क्योंकि मैं अपने ही okay. अपने ही हर्ट एंगर इरिटेशन में हूँ तो आपको बहुत ज्यादा एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वो एनर्जी भेजनी पड़ती है ताकि वो मेरे पेनफुल एनर्जी के ऊपर ओवरपावर कर दे एंड मेरी भी धीरे धीरे थिंकिंग की क्वालिटी चेंज हो जाए लेकिन अगर आप नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं और मेरी ऑलरेडी दर्द में हो और नेगेटिव एनर्जी है तो उसको कैच करना वेरी इजी वेरी फास्ट तो नेगेटिव टू नेगेटिव फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए दिस विल हैपन ऑलमोस्ट इंस्टेंटली क्योंकि अदर पर्सन फ्रीक्वेंसी इज रेडी ऑलरेडी रेडी तो जैसे ही जैसे आपने पिछली बार कहा कि अगर तीन चार लोगों ने मिलकर किसी के लिए नेगेटिव क्रिएट किया या हमने एक ने भी क्रिएट किया हमें दो तीन दिन के अंदर ही सामने उसका रिजल्ट दिखाई दे दिया कि सामने वाले को फील हो गया कि हम अनवांटेड हैं एंड द पर्सन सेड आई वांट टू लिव अब हमने इसमें क्या देखा कि वो नेगेटिव एनर्जी पहले हमने क्रिएट की hmm. और दो तीन दिन हम उससे डिस्टर्ब रहे उस तक भेजी उस पर प्रभाव आया और फिर उन्होंने हम पर भेजी और फिर हमने लास्ट टाइम देखा कि व्हाट इज द सल्यूशन सल्यूशन इज हमें चीज़ें दिखाई देंगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हमें चीज़ें दिखाई देंगी हमें कमजोरियाँ दिखाई देंगी हमें गलतियाँ भी दिखाई देंगी देखते हुए सुनते हुए हमें उसको अपने चित्त पर कितना रखना है और कब तक रखना है ये पावर हमारे पास है जो चित पे हम रखते हैं वो हम चीज पसंद करके रख रहे हैं चॉइस हमारी है हाँ चॉइस हमारी है तो चित्पे रखना है या नहीं रखना सी फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ बैठे हम्म। hmm. यहाँ बहुत कुछ है बहुत कुछ सुंदर भी है hmm. और बहुत कुछ अच्छा नहीं भी है यहाँ पर प्रकृति है ग्रीनरी है प्योरिटी इन वाइब्रेशन है लेकिन यहाँ पर कचरा भी है कीड़े भी हैं तो यू हैव बोथ द थिंग्स अब आपको अपनी एनर्जी को किस पर फोकस करना है मतलब आपको क्या देखना है ज़्यादा अगर आपने आकर आप यहाँ आए आप बैठे एंड आपने कहा ब्यूटीफुल ग्रीनरी कितनी सुंदर प्रकृति है वाइब्रेशन कितनी अच्छी है तो मतलब आपने इस एरिया की विशेषताओं को देखा जैसे ही आपने विशेषताओं को देखा तो अपने चित्त पर क्या लेना शुरू किया विशेषताओं को लेना शुरू किया इसका मतलब ये नहीं है कि गंद नहीं पड़ा है कीड़े मकोड़े नहीं हैं, और कुछ गलत नहीं है गीला है नीचे सब कुछ है।, है।, है। तो मतलब विशेषताएं भी हैं कमजोरियां भी हैं। दोनों चीजें यहाँ प्रेजेंट हैं। आप आए और आपने सबसे पहले किसको ग्रहण किया किसको ग्रहण किया कौन सी एनर्जी आपने यहाँ से उठाई विशेषताओं को देखा अच्छा सोचेंगे जैसे ही अच्छा सोचेंगे आपको कैसा फील होगा यू विल फील नाइस हमने यहाँ जैसे आपने कहा कचरा देख लिया ठीक है तो कचरे को एक सेकंड देखो और बोलो ठीक है बाकी चीजें कितनी अच्छी देखो ना अब अगर हटा दो ना ध्यान से एक तो पहले दोनों में से चूज किया क्या क्या देखना है अगर आपने विशेष देखे ना सिस्टर सी जैसे आपने एक बार पहले कहा था व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक डॉट पहले एनर्जी किस पर जा रही है ब्लैक डॉट है एक है इतना बड़ा दाग इतना बड़ा ब्लैक डॉट हाँ वाइट बोर्ड है लेकिन दाग कितना बड़ा है ये एक पर्सपेक्टिव है तो उस आत्मा का जिसका ये पर्सपेक्टिव है उसको जल्दी क्या दिखाई देता है कमजोरी दिखाई देती है विशेषता ठीक है एक है कितना सुंदर वाइट बोर्ड सब कुछ साफ और ये छोटा सा काला दाग चीज़ वही है नज़रिया अलग अलग है इसी तरह आप यहाँ आए आपने कहा कितना सुंदर गार्डन इतना सब कुछ ब्यूटीफुल अपने शहर में तो इतनी सुंदर प्रकृति मिलती ही नहीं है इतनी फ्रेश एयर ब्यूटीफुल परफेक्ट ये सब देखा जैसे तो पहले आपकी स्थिति क्या हो गई फ्योर यू आर फीलिंग नाइस यू आर फीलिंग नाइस बिकॉज यू फील के यू कम इन टू अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस यू आर फीलिंग नाइस अब आपने देखा ये गीला भी है कीचड़ भी है गंदा भी है ठंड भी है ओके विच मीन्स विशेषताएं देखी स्थिति अच्छी हुई उसके बाद कमजोरियां देखी सब कुछ दिखाई देगा वी के नॉट से के सिर्फ विशेषताएं देखो hmm. दिखना दोनों है लेकिन अब कमजोरियां देखने के बाद एक है कचरा है ओके okay, बट हमें यहाँ काम करना है ध्यान से पैर रखते हैं ताकि सब कचरे पर हमारा पैर नहीं पड़े है एक्सेप्ट कर लिया कि वो है पर हमें यहाँ काम करना है इसके साथ लेकिन अगर हमने उसको चित पर रख लिया कचरा है इतना कचरा है कितना गंदा रखा है मेंटेन भी नहीं करते हैं फ़ायदा क्या इतना सुंदर स्थान बनाने का अगर कचरा ही नहीं उठाएंगे ऐसे भी कैसे लोग हो सकते हैं ये इतना गंदा अभी हम बैठेंगे कैसे अगर हम इसमें बैठ गए पैर गंदा हो जाएगा पैर गंदा हो गया कपड़े गंदे हो जाएंगे ये चित्त पर रखना देखना सुनना एक चीज है चित्त पर रखना कंप्लीटली हमारी चॉइस है देखने सुनने से हम रोक नहीं सकते अपने आप को हमें सब कुछ दिखाई देगा दुनिया में क्या हो रहा है समाज में क्या हो रहा है चित्त पर क्या रखना और कितनी देर रखना स्पिरिचुअलिटी सिखाती है जो आप अपने चित्त पर रखेंगे बहुत जल्दी वो आप बनते जाएंगे जो हम अपने चित्त पर रखेंगे तो वेरी सुन वो किसकी प्रॉपर्टी बन गई है अब भी वो कचरा यहाँ है वो यहां नहीं है वो यहां है बाहर है मैंने उसको यहां चित्त पर पकड़ा विच hmm. मीन्स मैंने उसका चिंतन करना शुरू किया बहुत जल्दी चिंतन किसका इम्प्योर हो जाएगा मेरा। पहले वो इम्प्योरिटी बाहर थी लेकिन चित्त पर रखा तो चिंतन मेरा इम्प्योर हो जाएगा अगर हम किसी की नेगेटिविटीज़ को देखते हैं किसी की वीकनेस को देखते हैं दिखता है लेकिन चित्त पर रखा तो वेरी सोन उनकी कमजोरी हमारी सोच का हिस्सा बन जाएगी दिस इज इम्पोर्टेंट ना इफ आई थिंक अबाउट योर वीकनेस वेरी सोन योर वीकनेस स्टार्टेड लिविंग हेयर एंड वेरी सुन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माई थॉट प्रोसेस जो हम सुनते ने कई बार देख कर अनदेखा कर दो तो। सुनकर अनसुना कर दो विच मीन देखा, सुना ग्रहण नहीं करना है असर भी नहीं नहीं होने दिया। ग्रहण किया, तो वो है, लेकिन ग्रहण थोड़ी करना है हर चीज को यहाँ पर आई डोंट नीड टू क्योंकि अदरवाइज दैट विल बिकम माई प्रॉपर्टी अब अगर आपने किसी की कमजोरी को देखा लेकिन ग्रहण नहीं किया तो आपकी वाइब्रेशन आपकी थिंकिंग जो प्रोसेस है उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं आई मेरा सवाल ये था कि ग्रहण कर लिया ग्रहण विच मीन हमने सोचना शुरू कर दिया है उनकी कमजोरी के बारे में उस तक में, पहुंच भी गया उस तक पहुंच भी गया है अब उसको कन्वर्ट करना चाहिए। अब सेकेंड चीज कि कितनी देर रखना है सपोज मैंने आपकी कोई कमजोरी देखी मैं उसके बारे में पांच मिनट भी सोच सकती हूँ पांच घंटे भी सोच सकती हूँ पांच साल भी सोच सकते जिंदगी सोच सारी चॉइस किसकी मेरी जितना सोचा उतना वो चीज़ मेरी प्रॉपर्टी बन जाएगी अब अगर सोच भी लिया काफ़ी दिन से या काफ़ी साल से एंड टुडे आई रियलाइज कि वो मेरे लिए उनके लिए और उस रिश्ते के लिए डैमेजिंग है सो स्टॉप चेंज ना हाउ टू चेंज एक जब हम किसी के लिए भी कह रहे हैं कि ये उनकी गलती है ये उनकी कमजोरी है हु इज द वन हु इज डिसाइडिंग गलत है वेरी इंपॉर्टेंट हु इज द वन ये गलत है किसने कहा ये गलत है जो चीज आपको गलत लग रही हो हो सकता है कि वो मेरे लिए बिल्कुल ठीक हो इज दैट पॉसिबल पॉसिबल हाउ इज इट पॉसिबल आपको तो वो बिल्कुल गलत लग रहे हैं, फिर भी वो मुझे क्यों ठीक लग रहे हैं? वाई इज इट पॉसिबल दोनों अलग अलग संस्कार सिंपल तो आपने किस बेसिस पर ये कहा कि व्हाट आई एम डूइंग ये गलत है किसके पर्सपेक्टिव से कहा अपने पर्सपेक्टिव से कह दिया और मेरे ऊपर वो लेबल लगा दिया कि ये गलत है आई विल नॉट चेंज वाई आई विल नॉट चेंज क्योंकि वो आपको गलत लग रहा है मुझे नहीं गलत लग रहा राइट एंड रोंग जो बहुत ईजीली हमने लिबरली एक दूसरे पर लगाना शुरू कर दिया है छोटी सी बात है सिस्टर मैं की मैं छोटा सा था तब लंच पे गया था गुजराती फैमिली थी तो लेफ्ट हैंड से हम लोग सब्जी डाल रहे थे राइट हैंड से खा रहे थे खाते खाते मैंने रोटी को दो हाथ से थोड़ा आदत थी बचपन की एक हाथ से नहीं तो उसकी माँ बोलने लगी अब आपने तो लेफ्ट हैंड भी जोटा कर लिया तो अब आप नहीं परोसेंगे मैं डालूंगी खाना अब मैं तो उस वक्त खाना छोड़ के उड़ जाता यहाँ इंसल्ट महसूस करता तो मैंने सोचा कितनी अच्छी बात है कि मैं दो हाथ से रोटी तोड़ दी मतलब मैं लगाऊंगा हाथ बाकी सब भी खाना खा रहे हैं ना तो कितनी कितनी छोटी चीज के लिए आप उसको मैग्नीफाई भी कर सकते हो जिंदगी भर इस घर में नहीं जाऊंगा बोल सकते हो मुझे अछूत बोला मुझे इतना भी नहीं हो क्या गया जी रोटी ही तो तोड़ी है तो जब हमारी डेफिनेशन ऑफ राइट और दूसरे की डेफिनेशन ऑफ राइट सेम नहीं होती तो हम बहुत जल्दी दूसरे को क्या कह देते हैं रॉन्ग वो रंग क्योंकि राइट right वो ही है जो मेरी डेफिनेशन ऑफ राइट से मैच करता है hmm. जब हम कह रहे हैं सामने वाले के अंदर ये गलतियां हैं ये वीकनेसेस हैं ये कमजोरियां हैं किसके परस्पेक्टिव से हमारे परस्पेक्टिव से क्यों वो गलत है क्योंकि वो मेरे डेफिनेशन ऑफ राइट से मैच नहीं करता है अगर हम उन लोगों को ढूंढेंगे सारा दिन जिनकी डेफिनेशन ऑफ राइट हमारी डेफिनेशन ऑफ राइट से मैच कर जाए हर बात में Mm -hmm. और हर परिस्थिति में वी विल नॉट फाइंड बात। ये पॉसिबल नहीं है ये असंभव है और जब तक हम इस कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे तो स्मूथ एनर्जी क्रिएट करना इज इम्पॉसिबल ये नहीं होगा तो एक सबसे पहले हमें ये क्रिएट करना होगा कि सामने वाला रोंग नहीं है। mm -hmm. ये 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 गलत, ये गलत, ये रौंग। वो हैोंग नहीं है वो मुझसे डिफरेंट है hmm. और इसमें बहुत फर्क है एक है मैं कहूँ आप गलत हैं और एक है मैं कहूँ आप मुझसे अलग हैं और है भी तो अलग ना है ही अलग ना एक पत्ता भी दूसरे पत्ते से नहीं मिलता है तो है ही अलग ही है अलग ना हर चीज अलग है बाप बेटे से अलग है माँ बेटी से अलग है भाई बात आत्मा, आत्मा से अलग है क्योंकि हर आत्मा अलग जर्नी पर आई है इतने इतने जन्म इतनी इतनी लंबी जर्नी इतनी इतनी रिकॉर्डिंग्स तो एक आत्मा की रिकॉर्डिंग दूसरी आत्मा की रिकॉर्डिंग से मैच ही नहीं कर सकती इट्स नॉट पॉसिबल अब द अदर वे ऑफ लिविंग इज मैं सही हूं आप गलत है मैं सही हूं आप गलत है लेकिन आपके साथ रहना तो पड़ेगा ही आपके साथ काम तो करना पड़ेगा ही अगर मैं आपके साथ काम करूँ या आप फैमिली में हम रहें सेंडिंग दिस एनर्जी टू द अदर पर्सन कि आप गलत हैं तो रिश्ते की फाउंडेशन क्या हो जाएगी जैसे ही मैं आपको ये वाइब्रेशन लंबे टाइम तक भेजूं कि आप गलत हैं आपका ये गलत है आपका ये गलत है तो वहां से वाइब्रेशन क्या आने वाली है बैक आप गलत अब रिश्ता क्या हो जाएगा दोनों गलत, गलत गलत के साथ रिश्ता जोड़ रहा है मैं सोचती हूँ आप गलत हैं, आप कहते हैं आप गलत हैं, बट वी हैव टू गीट टूगेदर इन फैमिली और फ्रेंड्स और एट वर्क तो रिश्ता क्या हो जाएगा अब ये पेरेंट चाइल्ड में अगर हम देखें वैसे तो हर आत्मा का हर आत्मा के साथ है लेकिन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में अगर हम देखें एंड पेरेंट्स अभी एक मिनट जिस साइलेंस में देखें अपने आप को चेक करें अपने बच्चे के लिए राइट फ्रॉम छोटे बच्चे सारा दिन में कितनी बार उनके लिए थॉट क्रिएट करते हैं कि ये गलत है जिसको हम सोचते हैं तो बहुत नेचुरल है वट इज़ रॉन्ग वो है गलत तो गलत थाट तो आएगी कि ये गलत है और मैं पेरेंट हूँ तो मेरा कर्म क्या है मेरी ड्यूटी क्या है उसको ठीक करना बच्चे जिस टाइम पर उठते हैं सुबह वो गलत है बच्चे जिस टाइम पर सोना चाहते हैं वो गलत है बच्चे जो खाना खाना चाहते हैं वो गलत है बच्चे जो कपड़े पहनना चाहते हैं वो गलत है बच्चे फेसबुक पर बैठे हैं इंटरनेट पर बैठे हैं चैटिंग कर रहे हैं फोन पे बात कर रहे हैं टीवी देख रहे हैं जिस स्पीड पर गाड़ी चला रहे हैं जिन दोस्तों से मिल रहे हैं रात को कब सब चीज के लिए ये गलत है ये गलत है ये गलत है तो वहाँ से कौन सी एनर्जी आएगी फिर मेरे पेरेंट्स गलत है गलत गलत। और फिर आप गलत आप गलत ये एनर्जी भेजी इन द मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप एंड फिर उसको एक वर्ड दिया जेनरेशन गैप क्योंकि हमने कहा हम आपको नहीं समझ सकते उन्होंने कहा हम भी आपको नहीं समझ सकते हमारा जमाना अलग था आपका जमाना अलग था अलग थे अलग हैं और अलग रहेंगे हाँ। लेकिन गलत थे गलत हैं और गलत रहेंगे इज अ डिफरेंट एनर्जी अगर आप आज की जनरेशन को बोले कि आप गलत हैं तो आप मुझे ये बताइए कि अपनी जनरेशन में आपके पेरेंट्स आपको गलत नहीं बोले हर जनरेशन में है ना ये आज हम अगर हम अगर अपने बच्चे को कह रहे हैं कि ये गलत है तो बच्चे ने भी हमारे लिए थॉट क्रिएट कि आप गलत है लेकिन जब हम बच्चे थे तब हमने कई ऐसे काम किए जिसके लिए हमारे पेरेंट्स ने कहा आप गलत हैं हमने कहा आप गलत हैं एंड धीरे धीरे हमने उनको कई सारी बातें बताना बंद कर दिया आज अगर आप देखो कितने बच्चे अपने पेरेंट्स को अपने जीवन की हर बात बता पाते हैं नहीं बताते हैं हमारे पास कितनी सारी ई मेल्स आती हैं जिसमें बच्चे अपनी बहुत यू नो प्रॉब्लम अपना कॉन्फ्लिक्ट अपना दर्द वो शेयर करते हैं और उसमें लास्ट लाइन जो वो लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि प्लीज़ ये बात टी वी पर या हमारे पेरेंट्स को नहीं पता लगने देना वाई जब बच्चा दर्द में है तो उसको कौन हेल्प करेगा पेरेंट ही हेल्प कर सकता है लेकिन उसी पेरेंट को वो बच्चा अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए रेडी नहीं है क्यों क्योंकि जैसे ही बच्चा वो पेरेंट को अपनी प्रॉब्लम बताएगा तो पेरेंट से उसको क्या मिलने वाला है डांट भी मिलेगी हम्म तो डांट इसीलिए मिलेगी ना कि आप गलत है जब एक बच्चा छोटा होता है वो अपने पेरेंट को आकर हर बात बताता है एंड पेरेंट्स भी मुस्कुराते हैं हर बात प्यार से सुनते हैं तो एनर्जी क्या क्रिएट हो जाती है कि बच्चा हर बात अपनी शेयर करता है जब वो इतना है आज स्कूल में ये हुआ आज टीचर ने ये किया आज हमने क्लास में ये किया दर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस एनर्जी इन द हाउस वो बच्चा जो जो बताता है लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बारह तेरह चौदह साल का हो जाता है अब क्या वो आकर अपने पेरेंट को अपनी हर बात बताता है अब पेरेंट्स उसके गोल गोल घूमते हैं आज सारा दिन में क्या हुआ आज कहाँ गए थे किससे मिले थे पूछने पर भी वो नहीं बताता है पहले तो सब कुछ बताते थे आजकल क्या हो गया अब आप उसके पीछे पीछे जाओ तो भी वो नहीं बताएगा आप उसके रूम में जाओ वो कहेगा प्लीज गो आउट एंड क्लोज द डोर आई वॉन्ट माई स्पेस वो ही बच्चा मतलब वो ही आत्मा हमें आकर सब कुछ बताता था आज वो हमें नहीं बताता है क्योंकि जब वो छोटा था और वो अपनी हर बात आकर बताता था हम एक्सेप्ट करते थे हम अप्रिशिएट करते थे हम मुस्कुराते थे तो कोई भी आकर बताएगा जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ उसने जब आकर अपनी बात बताई तब हमें वो बातें इतनी ईजी नहीं लगी सपोज किसी दिन बच्चे ने आकर बताया कि आपको मालूम है आज मैं स्कूल बंक करके मूवी देखने गया था हाँ, वाक किस किस दोस्तों के साथ बैठता है अब तो उसने तो अपनी नॉर्मल बात आकर शेयर की थी क्योंकि उसके अंदर संस्कार था पेरेंट्स के साथ आकर शेयर करने का हुँ. वो करता आया था कल तक तो उसने आज भी अपनी बात आकर शेयर की थी कि आपको मालूम है आज हम सब मूवी देखने गए थे जैसे ही उसने शेयर किया सामने से क्या मिल गया रिजेक्शन रिजेक्शन दिस इज रिजेक्शन आप गलत हैं तुम गलत हो किया कैसे मैंने क्या संस्कार दिए तुम्हारी इतनी फीस में क्यों इन किन दोस्तों के साथ नाउ द चाइल्ड नो कि आज मैंने ऐसा क्या कर दिया बिकॉज अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड उसने जो किया आज देयर इज रॉन्ग इन इट फिर थोड़े दिन के बाद उसने कुछ और आके शेयर किया फिर उसके बाद उसने कुछ और आके शेयर किया जब जब उसने शेयर किया हमने उसको डांटा हमने रिजेक्ट किया थोड़े दिन के बाद उसने शेयर करना बंद कर दिया वो सब आकर अपनी बात बताने के लिए रेडी थे हमारे पास सुनने की ताकत नहीं थी हम हर बार डांट दिया और रिजेक्ट कर दिया अगर आप अपनी बात किसी को जाके शेयर करें तो आप सामने से क्या एक्सपेक्ट करते हैं क्यों मेरी बात सुने सुने उसके बाद हाँ। अगर आप आप किसी से जाकर अपनी बात शेयर करें वो कहे ऐसा कैसे कर दिया तुमने ये कैसे कर दिया वो कैसे कर दिया दो बार करे चार बार करे आप अपनी बात जाके शेयर नहीं करेंगे हो गया ना गैप ये हमने क्रिएट किया था बच्चे ने नहीं क्रिएट किया था वो तो आकर अपनी सब बात बताता था अब वी रीच अ पॉइंट कि बच्चा अपनी बात पेरेंट को आकर बताने की बजाय बाहर काउंसलर को जाकर बताता है वी हैव रीच दैट स्टेज आज स्कूल में कंपल्सरी काउंसलर है

ऐसा क्यों? हमारे जमाने में तो हम दादी पर दादी बड़े बड़े लोग उनको कान में बैठ के बोलते थे अच्छा, 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 सुनते थे, प्यार करते थे सुनते हाँ। तो आज भी है पेरेंट बच्चे की हर बात सुनने के लिए रेडी है लेकिन सुनना इज नॉट व्हाट इज ओनली इम्पोर्टेंट सुनने के बाद का रिएक्शन क्या है सुनने के बाद का रिएक्शन क्या है अगले एपिसोड में डिस्कस करना बहुत जरूरी है सिस्टर डेफिनेटली थैंक यू सो मच ओम शांति ओम शांति ओम शांति व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल कुड बी फैमिली एंड फ्रेंड्स क्रिएट सिमिलर थॉट्स फॉर समवन देन पावरफुल कलेक्टिव वाइब्रेशंस गेट क्रिएटेड एंड रीच द पर्सन Positive vibrations can heal and negative vibrations can cause pain. Since the creator and the receiver are generally in a negative state of mind, the effect of negative thoughts is faster. If we create pure thoughts for someone, it will take some time. For our positivity to influence their mind. Focus on seeing and retaining the good qualities in people. We see the weaknesses, but take care not to churn it and consume the negativity. Different souls have different sanskars, so each soul's perspective. And understanding of right and wrong will be different. What we find wrong in their behaviour may be right and justified by them. If you wish to discuss your problem, or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Centre, write to us at Awakening with BKS